नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आप सभी का बार बार यहां पर शुक्रिया अदा करता हूं आने के लिए साथियों एक बार सारे के सारे बच्चे जुड़ जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से जबरदस्त तरीके से आज की क्लास का आनंद में तरीके से शुभारंभ करने का काम करेंगे और आज की क्लास बहुत सुंदर रहने वाली है क्योंकि साथियों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि हमारी जो ये क्लास रहती है इस क्लास के अंदर हम बहुत बेहतरीन तरीके से जीके और जीएस के बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं साथियों कुल मिलाकर टॉप थर्टी क्वेश्चनों को लेकर आते हैं लेकिन टॉप थर्टी क्वेश्चन के भी अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चनों पर डिस्कस कर रहे होते हैं जो आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होते हैं ये क्वेश्चन जो होते हैं साथियों या तो किसी परीक्षा के अंदर आए हुए होते हैं या फिर प्यार साथियों जिन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो किसी न किसी परीक्षा के अंदर आने की संभावना होती है इसलिए इन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया जाता है GK के सारे सब्जेक्ट जैसे बात करें हिस्ट्री पॉलिटी कॉपी को तो तो कि, कि को पर करते जो आपको नहीं याद। या फिर आप हो सके तो साथ के साथ चीजों को जो आपने पहले कभी पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलेगा अगर आप ऐसा करता चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा एग्जाम के अंदर मिलने वाला है और हमारा आपका सबका उद्देश्य ही क्या है एग्जाम को निकालना एग्जाम के अंदर पास होना तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को लेकिन उससे पहले जल्दी से फटाफट से एक बार वीडियो को सारे बच्चे लाइक करके वीडियो को जहां शेयर करना है वहां शेयर कर दीजिएगा और फिर जुड़ जाइएगा बहुत बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों आज की क्लास के अंदर कुछ बच्चे यहाँ पर जय माता दी कर रहे हैं सभी को मेरा जय माता दी भाई साहब सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो नवरात्रि शुरू हुई है मा, माता रानी जो वैष्णो देवी है वो सभी को प्यार साथियों कृपा बरसाने की कोशिश करें और जो भी मनोकामना इन सब बच्चों के मन में है माँ वैष्णो देवी उन सभी को पूरा करने का काम करें चलिए आइएगा शुरुआत करते हैं देखो ₹499 में आप कोर्स से खरीद सकते हैं कोई भी कोर्स जो होगा हमारा टॉप तक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा मात्र ₹699 में खरीद सकते हैं ये परसत्य अगर हम बात करें तो हमारे आ, कुछ महाभारत एक कोर्स चल चुका है ये 3.0 जो है साथियों ये आपको टॉप तक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और इस कोर्स को लेने के बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं तो टॉप तक एप्लीकेशन को इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा साथियों अगर हम बात करें हमारे और भी बहुत सारे बैच आ चुके हैं जैसे कि बात करें जितने भी कोर्स हैं आपको यूपी पुलिस का भी कोर्स आ चुका है एम का कोर्स आ चुका है ग्रुप डी का कोर्स आ चुका है और मैथ मास्टर कोर्स ऐसे बहुत सारे कोर्स आपको पैर साथियों कहाँ पर मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन टॉप तक पर मिल जाएंगे इस कोर्स को जाकर क्या करेंगे इस कोर्स को यानी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और यहीं पर सारे के सारे हमारे कोर्स मिलेंगे जो भी आपको पढ़ने होंगे साथ ही अगर हम बात करें यूट्यूब के टाइम टेबल की तो सात से आठ आपकी रीजनिंग की क्लास होती है जो बहुत बेहतरीन सी क्लास होती है आठ से नौ हमारी पैर यहाँ पर मेरी जी के और जीएस की, की क्लास होती है और नौ से दस आपके लिए राहुल सर क्लास लेकर आते हैं तो रीजनिंग रीजनिंग के बाद जीके जी और फिर पैर साथियों आपकी मैथ की क्लास ये यूट्यूब का टाइम टेबल होगा जो आपको अपने दिमाग के अंदर सेट रखना होगा बात करें प्यार साथियों तो फेसबुक पर यानी इंस्टाग्राम पर आप मुझे सुशील जादव सर के साथ सर्च कर सकते हैं अंडर लगाकर और फेस पर भी अगर आप सुशील जादव सर लिखेंगे तो यहां पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बहरहाल हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है ये बच्चे जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर जो भी समस्या आएगी ना इन नंबरों पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें और यहां से चीजों को लेकर आगे चलेंगे यानी सबसे ज्यादा जो 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 फायदा पहुंचाएंगे जो है, जो आपकी है आपकी क्वेश्चन है जो आपको समस्या है वो यही इन नंबरों पर सॉल्व की जाती है लेकिन ऑफिस नंबर पर आप इस नंबर को मिलाएगा सबसे बेस्ट रहेगा चलिए शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न का क्या है साथियों पहला प्रश्न बहुत बेहतरीन सा जबरदस्त सा और सुंदर सा चलिए आ चुका है पहला प्रश्न आप सभी की पैर स्क्रीन पर बताना होगा राइट आंसर क्या है चलो बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं बात करते हैं कौन कौन राहुल राज है उसके अलावा बात करें परवीन कुमार हैं बबीता कुमारी हैं बात करें काजल गौड़ हैं उसके अलावा सौरभ हैं चांदनी त्रिपाठी हैं एच आर ट्वेल्व है परवीन है उसके अलावा बात करें यादव जी हैं यादव जी के अलावा बात करें पैरस परवीन सिंह हैं गीतांजलि जीना भी जुड़ चुके हैं बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और देखिए प्रश्न पहला स्क्रीन पर लग चुका है प्रश्न है? है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कब गठन किया गया था यानी महिला आयोग कब गठित हुआ ऐसा प्रश्न पहली बार पूछा गया है पहली बार नहीं मतलब पेपर के अंदर कई बार पूछा गया है लेकिन हम इसको पहली बार अभी यहां सॉल्व करा रहे हैं लेकिन हमने महिला आयोग के अध्यक्ष को ने इस क्वेश्चन को एक दिन जरूर सॉल्व कराया था आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा और अगर आप आंसर जानते हैं तो बताइएगा कि महिला आयोग की वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन रहने वाली हैं साथियों अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पर जो कहा जाता है वो है डब्ल्यू कहा जाता है, है? है? साथियों का सबसे मुख्य बात है कि एक समय हुआ करता था जब एक अधिनियम आया और उस अधिनियम के आधार पर ही इस आयोग का गठन किया गया था तो आपसे पूछ सकता है कि, कि किस अधिनियम के आधार पर महिला आयोग का गठन किया गया तो आप कहेंगे

आयोग का गठन करने का काम किया गया था अगर साथियों हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहली बार इसकी प्रमुख बनाई गई या पहली बार इसकी अध्यक्ष जो बनाई गई उनका नाम आपको पता होना चाहिए उनका नाम जो रहने वाला है वो जयंती पटनायक रहने वाला है क्या जयंती पटनायक जो थी वो प्यार साथियों हम ये कह सकते हैं कि पहली महिला आयोग अध्यक्ष थी और आपके लिए ये प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला होगा अगर साथियों हम बात करें वर्तमान के अंदर महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है जो मैंने आप सभी से अभी प्रश्न पूछा है तो वर्तमान समय के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो कहिएगा कि वर्तमान समय में एक महिला है जो रेखा शर्मा के नाम से जानी जाती है। क्या नाम है रेखा शर्मा के नाम से जानी जाती है। और रेखा शर्मा साथियों के अंदर महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी लेकिन याद रखने वाली बात यह होगी कि साथियों जो अध्यक्ष है ये प्यार यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष रहने वाली है कैसी कार्यकारी अध्यक्ष रहने वाली है यह बात भी आपको पता होनी चाहिए यानी आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या रहे वाला है आपके प्रश्न का राइट आंसर तो उन्नीस सौ रहने वाला है लेकिन मुद्दा अब यह है साथियों कि सर क्या होता है राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है राष्ट्रीय महिला आयोग तो साथियों महिलाओं के लिए आयोग बनाया गया है लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जिससे प्यार साथियों उनको लाभ पहुंचाने का काम किया जाए दरअसल साथियों हम बात बात करें महिला आयोग का जो उद्देश्य है उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि देश के अंदर भी महिलाएं जो किसी ना किसी उत्पीड़न का शिकार हो रही है किसी भी ना किसी प्यार साथियों गलत तरीके से उनका यूज किया जा रहा है अगर महिलाओं पर किसी भी तरह से कोई दबाव बनाकर कोई कार्य कराया जा रहा है या महिलाओं का शोषण किया जा रहा है तो इन सभी चीजों को निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था जो स्पेशल और स्पेशल महिलाओं की समस्याओं को सुनने का काम करता है आप जानते होंगे कि एक ऐसा आयोग है जो कि हमेशा महिलाओं के साथ हो रही किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का तुरंत ही निदान करने का काम करता है ऐसे आयोग की स्थापना की गई और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष जो बनाई गई है वो रेखा शर्मा बनाई गई है तो किसी भी महिला को कोई समस्या रहती है तो आप यहां पर महिला आयोग की टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उसकी जानकारी महिला आयोग को दे सकते हैं और तुरंत के तुरंत यहां पर एक्शन लिया जाता है यह बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए तो राइट आंसर क्या है राइट आंसर 1992 सारे के सारे बच्चों ने दिया है बात कर लेते हैं अभिचंद्रवंशी ने दिया है सागर गो, आ, गोलिया ने दिया है राजन यादव ने दिया है अभिचंद्रवंशी ने दिया है शिवम पाल भी इसका सी आंसर दे रहे थे एक बच्चा है जो ए एजे टीएलएस करके हैं वो उन्नीस सौ बानवे आंसर दे रहा था दीपक कुमार भी इसका बहुत सही आंसर दे रहे हैं दिव्यांशी द्विवेदी ने सही आंसर दिया है बहुत अच्छा आंसर दिया बहुत सुंदर आंसर दिया है इसी तरह के आंसरों की मुझे आपसे उम्मीद है इसी तरह के आंसर हमेशा देते रहना चाहिए साथियों उस वायसराय का नाम बताएं जिसकी भारत में मृत्यु हुई थी जिसकी भारत में मृत्यु हुई थी हाँ भाई कौन मेरा लाल इस प्रश्न का सही आंसर बताएगा और कहेगा सर इसका आंसर तो मुझे आता है क्या क्या कहेगा इसका आंसर तो मुझे आता है तो एक बार मैं भी अपने मोबाइल के अंदर क्लास को चला लेता हूं जिससे कि आपके कमेंट अगर कुछ ऐसे हो जिन पर नजर में ना डाल पाऊं तो वो आपके अपने मोबाइल के अंदर में आपके कमेंट देख लू चलो हां, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर सारे बच्चे जुड़ चुके हैं बहुत बड़ी संख्या में हा आंसर आना शुरू हो गया है सर क्या इसका राइट आंसर ए या डी रहने वाला है हाँ भाई क्या कह रहा है साथियों क्या कह रहा है प्रश्न बड़ा पेचीदा है कुछ बच्चे इसका आंसर ए दे रहे हैं कुछ बच्चे इसका आंसर यहाँ पर बी देने का काम कर रहे हैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो ऐसी कोशिश हमेशा करनी चाहिए ऐसी कोशिश हमेशा करनी चाहिए कुछ बच्चे डी भी आंसर दे रहे हैं कि सर ए और बी इसी के अंदर दोनों ही आंसर हो सकते हैं हा भाई ए और डी इसी के अंदर क्या दोनों ही आंसर हो सकते हैं चलो एक बात मुझे बताओ एक बात मुझे बताओ मैं एक प्रश्न पूछता हूं इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है किस गवर्नर वायसराय का मकबरा भारत के गाजीपुर के अंदर अवस्थित रहने वाला इस प्रश्न का आंसर दे दो पहले भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर कहां पर भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर किस गवर्नर जनरल वायसराय का मकबरा रहने वाला है पहले आप इस प्रश्न का आंसर मुझे दे दो फिर मैं आपकी बात को लेकर आगे चलूंगा हूं है कोई मेरा लाल जो इस बात को बता पाए हाँ भाई है कोई मेरा लाल जो इस बात को बता पाए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बी आंसर दे रहे हैं कुछ ए आंसर दे रहे हैं कुछ इसके डी भी आंसर दे रहे हैं कारन वाली से भी बच्चे आंसर देने लगे हाँ भाई Osionfish. क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए चलो बात करते हैं साथियों बात करते हैं प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में प्रश्न बहुत अच्छा है देखो सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आए सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो सबसे पहले अगर आपको आंसर लगाने की आवश्यकता पड़े तो सबसे जो बेस्ट आंसर माना जा सकता है वो आपका लॉर्ड मेयो माना जा सकता है अगर बेस्ट आंसर की बात करें तो इनमें बेस्ट आंसर आपका मेयो माना जा सकता है क्यों क्योंकि साथियों यह व्यक्ति ऐसा था जिसकी हत्या भारत में की गई थी अगर बात करें कॉर्नवालिस रिपन का संबंध भी इस विषय में रहता है लेकिन आपको इसका आंसर वैसे हम बात करें कॉर्नवालिस और रिपन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो यहां पर प्रश्न पूछा जाता है ना वो साथियों इस मृत्यु शब्द को प्रयोग ना करके जो प्रश्न पूछा जाता है वो यह प्रश्न होता है कि किस गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या भारत के अंदर हुई किस गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या भारत के अंदर हुई तब आपको

आपको पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति का जो जन्म होता है इस व्यक्ति का जो जन्म होता है आपको पता होना चाहिए इस व्यक्ति का का जन्म जन्म कब हुआ है है तो 1822 के अंदर लॉर्ड मेयो का जन्म होता है। और अगर हम बात करें इसकी मृत्यु पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं तो ध्यान रखिएगा अठारह के अंदर इस व्यक्ति की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है तो अठारह सौ बेहत्तर में लगा लीजिए 50 साल के आसपास व्यक्ति जिया था ओके okay. इस पर बहुत प्यारे प्यार से क्वेश्चन बने इस पर बहुत प्यारे प्यार से क्वेश्चन बने पहला के पास ब्रिटेन की नागरिकता थी इस व्यक्ति के पास ब्रिटेन की नागरिकता थी इस व्यक्ति के पास अमेरिका की नागरिकता थी इस व्यक्ति के पास अमेरिका की नागरिकता थी इस व्यक्ति के पास अगर हम बात करें तो इस व्यक्ति के पास आय Land की भी नागरिकता थी तो इतने देशों की नागरिकता लेने वाला हो, अगर संदर्भ में बात करें साथियों तो एक व्यक्ति हुआ करते थे देखो एक व्यक्ति हुआ करते थे मैं पहले इसका थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं हुआ क्या कि जो आपकी अंडमान निकोबार पड़ता है जो आपका अंडमान निकोबार पड़ता है इस अंडमान निकोबार के अंदर अंडमान निकोबार के अंदर अगर हम बात करें तो एक स्थान पड़ता है जो इसी का राजधानी रहने वाला होता है जो आपको पता होगा पोर्ट ब्लियर क्या नाम होता है अगर हम बात करें तो पोर्ट ब्लियर के नाम से एक स्थान पड़ता है इस यहां पर पोर्ट ब्लियर जो है ये पोर्ट ब्लियर बहुत प्रमुख स्थान होता है और उससे भी ज्यादा स्थान प्रमुख क्या है वो वहां की पैर पोर्ट ब्लियर के अंदर जेल पोर्ट ब्लियर जेल को कहा जाता है काला पानी जेल क्या कहा जाता है पोर्ट ब्लेयर की जेल को कहा जाता है साथियों काला पानी जेल यानी कि काला पानी 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 जेल का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए इसको इसलिए काला काला नहीं कहा जाता कि यहां पर पानी काला है ऐसा कुछ भी नहीं है इसको जो काला पानी कहा जाता है वो इसलिए काला पानी कहा जाता है साथियों कि यहां पर जाने के बाद चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है और अपनी जिंदगी कैसे लगने लगती है काली ही काली अपनी प्यार साथियों यहां पर अपनी जिंदगी दिखने लगती है इसलिए इस जेल का नाम है काला पानी जेल इसका एक और भी नाम होता है इसको सेलूलर जेल के नाम से भी जानते हैं इसको जेल के नाम से भी जानते हैं तो आप ध्यान अगर जेल जेल बोल बोल रहा रहा है है या काला पानी जेल बोल रहा है, तो यही इसका राइट आंसर मतलब बात एक ही रहने वाली है साथियों बात करें आपको पता होना चाहिए कि इस अंडमान निकोबार की जेल के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को भी रखा गया था जिसका नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे वीर सावरकर प्रश्न पूछा जाएगा कि वीर सावरकर को किस जेल के अंदर रखा लगा था तो आप कहेगा पोर्ट ब्लेयर की जेल में या काला पानी जेल में या सेल्यूलर जेल के अंदर यहां पर प्यारे साथियों क्या रखा गया था वीर साबरकर को रखा गया था हुआ क्या कि जो लॉर्ड मेयो हुआ करता था जो लॉर्ड मेयो हुआ करता था ये मेयो नाम का व्यक्ति एक दिन घूमते घूमते कहां पहुंच जाता है इसी जेल के अंदर पहुंच जाता है क्यों पहुंचा पहुंचा इसलिए था कि वहां पर ये कैदियों की व्यवस्था देखने के लिए गया था कैदियों की स्थिति देखने के लिए गया था और प्यार साथियों वहां पर एक व्यक्ति इसकी ताक में बैठा था उस व्यक्ति का नाम एक परीक्षा के अंदर पूछ लिया गया है जिस व्यक्ति का नाम क्या हुआ करता था शेर अली खान हुआ करता था शेर अली खान नाम का व्यक्ति शेर अली खान नाम का व्यक्ति साथियों आसानी से नहीं मारा था जरा शेर अली खान के बारे में भी सुन लो शेर अली खान नाम का जो व्यक्ति था एक ऐसा व्यक्ति था जो पहले गवर्नर जनरल वायसराय को ही सुरक्षा देने का काम करता था इसलिए इसको सारी की सारी सिक्योरिटी के बारे में सुरक्षा के बारे में अच्छी जानकारी थी शेर अली खान जब पूरे दिन इस लॉर्ड मेयो नाम के व्यक्ति ने देख रेख को देख लिया सभी कैदियों से मिल लिया तो जब वापस आ रहा था तो मेयो की बेटी नाब पर बैठकर अपने पिता की इंतजार कर रही थी जिसकी बेटी का नाम क्या था लॉर्ड मेयो की बेटी का नाम था यहाँ पर लेडी मेयो क्या लेडी मेयो नाम की महिला थी वो नाब पर इंतजार कर रही थी और तभी क्या हुआ कि जो सुरक्षा का व्यवस्था वो भी ढीला पड़ गया कि अब तो पूरी तरह से यहां पर देख रहे कर ली गई है अब वापस गवर्नर जा रहे हैं तो अब कौन हत्या करेगा तभी शेर अली खान ने ले लेकर कुल दौड़ा और वहीं पर प्यार साथियों क्या कर दी चाकुओं से गोद कर कहा जाता है चाकुओं से गोद कर अली खान ने इस मेयो की हत्या कर दी क्या लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी तो ये नाम भी एक बार आपसे परीक्षा के अंदर पूछा गया है इसको गलत मत कर दीजिएगा अगर हम प्यार साथियों मेयो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो इसी के इसी व्यक्ति के समय में पहली बार जनगणना कराई गई थी हालांकि वो जन जो थी वो प्यार सत्य। असफल जनगणना थी ये बात तो ठीक है लेकिन पहली बार जनगणना कराने का क्रेडिट भी इस व्यक्ति को जाता है पहली बार अजमेर के अंदर प्यार सत्यो कहां पर अजमेर के अंदर इस व्यक्ति ने मेयो कॉलेज की स्थापना करी थी कहां पर अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना करी थी तो आपसे पूछता है कि मेयो कॉलेज कहां है और इसकी स्थापना किसने करी थी आप इसकी स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी इसी के समय में साथियों बात करें तो कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी क्या कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी तो यह बात भी आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कृषि विभाग की स्थापना की गई थी या बात करें असफल जनगणना जो की गई थी दोनों की ही दोनों अठारह के समय में दोनों ही कार्य किए गई

क्या है प्रश्न जाने का प्रश्न कह रहा है भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है यहां पर नहीं पूछा है न, मतलब नहीं नहीं पूछा है यहां पर पूछा है कौन सा सही है साथियों आपको एक सही बताना होगा जल्दी से आंसर कर दो चांदनी त्रिपाठी इसका आंसर क्या देंगी स्वेता इसका अच्छा सबने आंसर चेंज कर दिया कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं ओके बहुत बढ़िया सी आंसर दिया यहां पर पवन कुमार ने बहुत सुंदर गुड इवनिंग कर रहे हैं यहां पर ए के राजपूत गुड इवनिंग मेरे भाई

दुर्गापुर जो है वो रूस के अंदर है ऐसा नहीं पूछ रहा है या राव केला जो है वो ब्रिटेन के अंदर है ऐसा नहीं पूछ रहा है तो पहले तो इस प्रश्न को ही समझ पाए ये मेरे लाल तो वही बात आपके लिए काफी रहेगी ये पूछना ये चाह रहा है कि जो दुर्गापुर स्टील प्लांट लगा था वो क्या रूस की मदद से लगा था जो दुर्गापुर स्टील प्लांट लगा था क्या ये रूस की मदद से लगा था या यह पार्थिव बोकारो जो था यह जर्मनी की मदद से लगाता कौन सा किसकी मदद से लगाता किसका मिलान सही किया गया है मात्र और मात्र इसी बात को पूछना चाह रहा है एक ही प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्न उसने आपके सामने सजो कर रख दिए चलिए

से पता होगी ये ब्रिटेन की मदद से लगने, का लगने का काम करेगा तो तो क्या करेगा ये ब्रिटेन की मदद राहुल सर की क्लास के बारे में किसी बैच के अंदर तो ऐसा है कि वो अभी शायद क्लास डाली नहीं होंगी और अगर नहीं डाली गई है तो मैं एक बार उसके लिए बात कर लूंगा क्या प्रॉब्लम चल रही है और आपको बता दूंगा कि उस बैच के अंदर अभी सर की क्लास क्यों नहीं आ रही है ठीक है नेहा कुमारी करंट अफेयर की क्लास नहीं लेते हैं करंट अफेयर बेटा वो ऐप पर डाल दिया जाता है ठीक है एक बार हो सके ना तो आप करंट अफेयर को एप्लीकेशन से जाकर कवर कर लो ठीक है वो बेस्ट रहेगा आपके लिए ओके टॉप तक के के आर वन के यस सर बोल रहा है डी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया हाँ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं अगला प्रश्न साथियों क्या है अगले प्रश्न पर थोड़ी सी वार्ता कर लेते हैं साथियों पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है कि पीला सौंगर मुख्य भूमि चीन और किस प्रायद्वीप के बीच स्थित रहने वाली है कौन सी प्यार साथियों इसे सागर कहेंगे क्या कहेंगे येलो सागर बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं येलो सागर जो पीला सागर है ये मुख्य भूमि चीन और किसके बीच में रहने का काम करती है तो पीला सागर कहां कहां पर है ये आपको बताना होगा कोई बच्चा इसका राइट आंसर बता पाएगा हाँ भाई हाँ भाई राइट आंसर कोई बता पाएगा क्या ओके 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 अनिल सिंह ने डी आंसर दे दिया है बहुत अच्छा आंसर दिया है चलिए क्या बात है क्या बात है चलो सर मेरी पंजाब से क्या लिख रहा है बच्चा चलो प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं तो प्रश्न क्या है साथियों पूछ रहा कि पीला सागर कहां पर अवस्थित रहने वाला है पीला सागर साथियों मुख्य भूमि चीन और क्या रशिया के बीच में रहने वाला होता है आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है कौन कौन बच्चा इसका ए आंसर दे रहा है? है बहुत सारे बच्चे इसका ए आंसर दे ही नहीं रहे बहुत सारे बच्चे इसका ए आंसर दे ही नहीं रहे चलो डी डी बच्चे आंसर दिए जा रहे हैं डी डी बच्चे आंसर दिए जा रहे हैं कितने बच्चे इसका आंसर अच्छा अब ए आना शुरू हो गया अब ए आना शुरू हो गया सी डी ओके ओके चलिए मनीष प्रजापति ने इसका देखो ये एक ऐसा प्रश्न था जो आपको बिना वर्ड मैप के आइडिया के हो ही नहीं सकता बिना वर्ल्ड मैप की आइडिया के हो ही नहीं सकता ठीक है तो अगर आप वर्ल्ड के मैप के बारे में थोड़ा सा अनुमान रखते हैं तो आप एक मिनट के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर जाओगे लेकिन अगर आप नहीं रखते तो फिर आपको समस्या आने वाली है अच्छा एक बात बताइएगा अच्छा एक बात बताइएगा अगर हमारा ये प्यारा सा भारत है चलो ये तो आपका वर्ल्ड मैप का होगा भारत के मैप के बारे में बात कर लेते हैं अगर ये आपका प्यारा सा भारत है तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि जो यहां पर आपका समुद्र पड़ता है बहुत छोटी बात है बताने नहीं चाहिए ये जो आपका यहां पर समुद्र पड़ता है इस समुद्र को आप क्या अरब सागर कहते हैं क्या अरब सागर कहने का काम करेंगे साथियों जो यहां पर समुद्र पड़ेगा ना भारत के नीचे यहां पर जो यहां पर पानी आपको मिलेगा ना उस पानी को आप यानी समुद्र को क्या कहेंगे उसको यहां पर हिंद महासागर कहने का काम करेंगे क्या कहेंगे हिंद महासागर कहने का काम करेंगे और साथियों अगर हम बात करें जो पर यह वाला क्षेत्र समुद्र पड़ेगा ना जो ये वाला क्षेत्र समुद्र पड़ेगा भारत के संदर्भ में अगर बंगाल की खाड़ी पड़ता है यहां पर भी समुद्र रहने वाला होता है साथियों जो आपका मानसून आदि उठते हैं ना जो आपके मानसून आदि उठते मानसून आदि यहीं से उठकर भारत की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले मानसून का वहां पर आएगा सबसे पहले मानसून कहां पर आएगा जरा प्रश्न का जवाब दीजिएगा समुद्र पर मैं बात कर रहा था सबसे पहले मानसून भारत के किस क्षेत्र में एंट्री करेगा और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं जरा बताइएगा दिए गए ऑप्शन में से पहला ऑप्शन होगा साथियों आपका केरल पहला ऑप्शन होगा आपका केरल दूसरा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों आपका तमिलनाडु दूसरा ऑप्शन क्या होगा दूसरा ऑप्शन होगा आपका तमिलनाडु

खुद बताओ जब मानसून यहां से उठ रहा है जब मानसून यहां से उठ रहा है तो पहले केरल आएगा या पहले तमिलनाडु आ जाएगा सॉरी या पहले अंडमान निकोबार आ जाएगा तो मानसून पहले केरल भी यहां पहुंचेगा या यहीं पर पहुंच जाएगा तो जब भी ऑप्शन के अंदर उसने अंडमान निकोबार डाल दिया तो बच्चा हमेशा केरल आंसर लगाता है और एक सेकंड के अंदर उसका आंसर गलत हो जाता है दिए गए ऑप्शन में मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार के अंदर आएगा मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार के अंदर आएगा एक और बेहतरीन सा प्रश्न बताने वाला हूं इस प्रश्न को सिर्फ अपने आप तक रखिएगा इस प्रश्न को किसी से शेयर मत कीजिएगा ठीक है इस प्रश्न को किसी से शेयर मत कीजिएगा ध्यान से सुनिएगा मानसून पर ही प्रश्न रहने वाला है साथियों अगर हम बात करें जब मानसून आपका यहां से उठता हुआ जाता है तो हिमालय वगैरह से टकराता है और झमाझम बारिश करने लगता है झमाझम बारिश करने लगता है यहां तक तो कोई समस्या तो नहीं है चलिए कोई समस्या नहीं है साथियों मानसून जब भी टकराएगा जब भी मानसून टकराएगा वो टकराने पर ही बारिश करेगा क्योंकि ठंडा होता है उसके बाद वो बारिश करता है अब मुद्दा क्या है साथियों की लौटता हुआ मानसून जब आता है जब लौटता हुआ मानसून आता है तो यहां पर जब आता है यहां पर आने के बाद भारत के इस क्षेत्र में खूब करता है। अब ये है अब प्रश्न कि जो मानसून यहाँ पर लौटता हुआ आया था इस क्षेत्र में जो आया था इसने वर्षा करी यहां पर तो कोई पहाड़ी ही नहीं है आखिरकार मानसून यहां पर बारिश किस कारण कर रहा है ये एक ऐसा प्यार है जिस क्वेश्चन को, को बताने के लिए बहुत दम चाहिए इस क्वेश्चन को, को मैं ऐसा नहीं रहा कि आपका टेस्ट ले रहा हूं इस को को इसलिए बता रहा हूं कि आपको फुली नॉलेज हर चीज के बारे में होनी चाहिए अगर सामने आपका कोई बैठ भी जाए तो उसके सामने आपके पास ऐसे क्वेश्चन तो होने चाहिए जो पसीने छूट जाए मास्टरों के पसीने छूट जाए तो ध्यान रखी कहा पर जब मानसून आके लौटता हुआ बारिश करता है जो आपका तमिलनाडु केरल वाला क्षेत्र होता है लौटते हुए मानसून से बारिश होती है तो यहाँ पर किस से टकरा कर बारिश कर रहा होता है क्योंकि यहां पर तो कोई ऐसी पहाड़ी ही नहीं होती है भारत के इससे प्यार तटीय क्षेत्र पर तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं आप अपने आप तक सीमित रखेगा किसी और को मत बताइएगा यहां पर जो मानसून बारिश करता है वो कि बिना किसी पहाड़ियों के टकराए यहां पर बादल से ही मानसून टकराता है और बादल से ही टकरा कर ये मानसून बारिश करने लगता है यहां कोई पहाड़ी कोई चट्टान नहीं होती है ये बादल से ही मानसून टकराता है और बादल ही बाधा बनता है और झमाझम यहां पर बारिश होने लगता है है एक मानसून यहां काला सागर आदि क्षेत्र से भारत के अंदर आता है और यह जो भारत के अंदर मानसून आता है यहां से यह मानसून पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है किस नाम से पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है किस नाम से पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी विक्षोभ से जो भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आता है जो मानसून आता है यह भारत के इस क्षेत्र में बारिश करता है जो पश्चिमी विक्षोभ आया है जो काला सागर आदि से उठकर आता है ये यहां पर बारिश करता है और यह समय कौन सा होता है यह समय अपने माइंड के अंदर सेट रखेगा जैसे अभी ठंड पड़ रही

हरियाणा उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है उसके अंदर ठंड में बारिश किस कारण होती है यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सर्दियों में बारिश होने का उत्तर भारत में कारण क्या है आप कहेगा वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ के के कारण उत्तर भारत के अंदर ठंड में सर्दियों में बारिश होने का काम करती है राइट right आंसर आपका पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला होगा एस एस सीजीएल ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है सीपीओ में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और ऐसे एग्जामों में पूछा गया है तो हो है आपके उन रेलवे के एग्जामों के अंदर भी ये प्रश्न सीधा-सीधा छप जाए यहां तक किसी कोई समस्या चलो तो अगले प्रश्न पर चलते हैं नहीं तो आपको बहुत सारी बातें बताने लगूंगा फिर एक बात में से एक बात निकल जाती है वैसे क्लास ऐसी भी होनी चाहिए आपके लिए जिसमें आप अपने डाउट पूछो और उन डाउट्स को यहीं पर सॉल्व किया जाए ना एक वीक पूरा पढ़ो जहां से जैसे पढ़ना है उसके बाद एक सेशन लगवाओ बेहतरीन सा जिसमें बच्चा अपने डाउट पूछे उस डाउट को विद कॉन्सेप्ट के साथ टीचर बताने की कोशिश करे जिससे कि बच्चा देखो होता क्या जैसे आपके जीवन में कोई डाउट उठा डाउट के साथ अगर उसका आंसर मिल गया तो आप बहुत अच्छी बात है लेकिन तो तो राजस्थान के अंदर कहा जाता है उसी बारिश को ठंड में जो राजस्थान अपने क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग कहा जाता है तो वहां पर महावट कहा जाता है ठीक है चलो प्रश्न क्या है घड़ियाल नदी के नाम से जाना जाता है घड़ियाल नदी के नाम से किस से जाना जाता है साथियों अगर यहां पर इसने ऑप्शन ऐसे डाले होते जो आपके अभी कुछ दिन पहले

परियोजना चलाई जा रही है क्या घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है पहला मुद्दा तो ये बनता सर घड़ियाल क्या होता है सर घड़ियाल क्या होता है कह भेड़िया को तो घड़ियाल नहीं करो साथियों जो मगरमच्छ होता है ना उस मगरमच्छ की तरह ही आपका घड़ियाल होता है जो प्रश्न पूछा गया एसएससी के अंदर भी इस प्रश्न को पूछा गया था लेकिन लैंग्वेज में आपके सामने पेश कर रहा हूं धा सुनिएगा प्रश्न क्या था प्रश्न यह था कि अगर आप घड़ियाल को देखने में रुचि रखते हैं अगर आप घड़ियाल को पसंद करते, हैं तो, पसंद करते हैं, हैं तो आप किस नदी पर जाना चाहेंगे दोबारा सुनिएगा अगर आप घड़ियाल देखना पसंद करते हैं हैं अगर आप आप घड़ियाल में रुचि रखते तो किस नदी पर जाना चाहेंगे राइट आंसर था चंबल नदी क्या राइट आंसर था चंबल ये तो हो गया भारत के संदर्भ में क्या हो गया यह तो हो गया साथियों भारत के संदर्भ में बहुत बेहतरीन प्रश्न है बहुत जबरदस्त प्रश्न है लेकिन जब विश्व के संदर्भ में बढ़ते हैं तो साथियों बताना

ये है आपकी प्यारी सी पृथ्वी क्या है यह है आपकी साथियों प्यारी सी पृथ्वी कैसी यह है आपकी प्यारी सी पृथ्वी अगर इस पृथ्वी के बारे में बात करें तो यहां पर एक रेखा खींची गई है जिस रेखा को रेखा मतलब लाइन रेखा वो मत थी क्या है रेखा मतलब लाइन मारना लाइन मारना, वो वाली मारना मारने का मतलब इस काल्पनिक है जैसे आप समझते ना, इसको सिर्फ महसूस किया जाता है जैसे आप महसूस कर लेते हो ना कि माना की वो संख्या एक्स थी अब आगे सोल्व करेंगे माना की पहली संख्या एक्स थी दूसरी वाई थी तो मान लेते हो ना जैसे आपने कभी मान लिया था कि माना की वो मेरी थी और वो तुम्हारी कभी थी नहीं सच में तो तो ऐसे मान लिया करो ठीक है काल्पनिक रेखा है तो ये क्या ये बीच की रेखा होती है तीन लाइन हो गई अब कुछ नदी क्या होती है ना कि जैसे मान लो यहां से चली यहां से चली और काट गई बिस्वत रेखा को अब थोड़ी देर बाद लौट के कहीं आगे जाके फिर से काट गई तो ये दो बार नहीं काट गई एक बार यहां पर क्रॉस कर गई एक बार यहां क्रॉस करेगी तो ऐसी कोई इसको भी क्रॉस करेगी कर तो प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली यहां पर नदी का क्या नाम है तो एक नदी होती है ये लड़कियों का नाम भी होता है माही, क्या माही? ये तो वैसे धोनी का भी नाम है ठीक है माही तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को दो बार काटने का काम करती है अगर साथियों आपसे पूछे कि मकर रेखा को मकर कौन सी है साथियों मकर रेखा को दो बार काटने का काम कौन सी नदी करती है तो वही नदी रहने वाली होगी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होता है लिम्पोपो क्या लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है अगर पूछे अगर पूछे तो भूमध्य रेखा रेखा को दो बार काटने वाली क्या भूमध्य रेखा विश्व रेखा को दो बार काटने वाली तो वह नदी होगी कांगो कांगो नदी क्या? कांगो नदी क्या यहां तक किसी तो को समस्या अपने ट्रिक से याद कर सकते हो सच बताऊं इसको अपने ये ऐसा नहीं है कि या तो इसको मैप पर याद करो या तो आप इसको मैप पर याद करो ठीक है या फिर अपने ट्रिक से याद कर लो ठीक है या फिर इसको अपनी ट्रिक से याद कर लो है? अगर आप इसको अपनी देखो जैसे मैंने जो याद करी थी ना तो जब आ, जो जिन लोगों के साथ मैं पढ़ा करता था उन्होंने मुझे ये बहुत अच्छे से तैयार कराई थी तो जैसे जो लंबी लंबी ट्रिक होती है ना वो काम नहीं आती है वो काम नहीं आती है अगर आपने कोई ऐसी चीज से इसको रिलेट कर लिया ऐसी चीज से रिलेट कर दिया जिसका कोई जवाब नहीं है तो कभी भूल ही नहीं सकते जैसे मेरे सीनियर ने कैसे याद करा था एक बार बताता हूं देखो ऐसे याद कराता कि देख मकर समझता मकर मैं कहा मगरमच्छ समझ लेंगे तुम भी समझो मकर का मतलब था मगरमच्छ ठीक है और जैसे बच्चे ने मगरमच्छ को देखा बच्चा पापा पापा के लगा पोपो आ रहा है ना पापा पापा मगर मच, पापा मगरमच्छ मगरमच्छ तो ध्यान थोड़ा सा बस लगाना होता है ठीक है एग्जैक्ट बैठे ना बैठे तो बिठाना होता है कांगो नदी क्या है यह है कांगो नदी अच्छा एक बात बताओ जो ये भूमध्य रेखा मैंने आपको खींची है इसको अगर मैं बात करू पैरसत्यो डिग्री पर तो क्या जीरो डिग्री रेखा नहीं होती इसको जीरो डिग्री पर तो बोल सकते हैं ये बात आपको होगी ना जीरो डिग्री को तो बोलते हैं तो उसने क्या कहा कि यह है भाषा जीरो जीरो का मतलब कि किसी के पास अगर जीरो बैलेंस है तो वो कंगाल है क्या है वो कंगाल है क्या है अगर जीरो, एक भी नहीं है। जीरो में कहते है ना अरे कंगाल हो गया क्या हाँ भाई साहब एक ही पैसा नहीं है तो जीरो डिग्री रेखा को कौन काटेगी वो कंगाल से याद रखेगा कंगाल आ रहा है ना थोड़ा सा कंगो कंगाल तो बस रिलेट करना होगा अपने हिसाब से अब प्यार साथियों अब आती है माही अब आती है माही मैंने कहा कि ये प्यार सत्यु किसी लड़की का नाम होता है क्या यह किसी लड़की का नाम होता है क्या आप ये जानते हो कि तुम्हें लड़की कहां मिलेगी देखो अपने हिसाब से कुछ भी याद कर सकते हो यह है तो रेखा रेखा ही तो भारत में है। तो लड़की माही जो है ना वो भी आपको कहा लड़की अगर ढूंढनी है तो वो कहां मिलेगी आपको भारत में ही मिलेगी कर्क रेखा भी भारत में होकर गुजरती है तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी होगी वो आपकी माही ही नदी रहने वाली होगी तो बस एक बार ये कहानी से आपने दिमाग में घुमाई ना और आपने एक बार नदी का नाम देखकर लाइन को मेरे हिसाब से रेड कर लिया जिंदगी में कभी दोबारा नहीं बोल सकते ठीक है तो ऐसे आप कोशिश कर लीजिएगा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर जबरदस्त चलिए राइट आंसर क्या होगा लिंपो पर होगा इसको घड़ियाल नदी के नाम से जानते हैं बहुत बेहतरीन सा प्रश्न रहने वाला है चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं चलें। कभी नहीं भूलूंगा सर ओके ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नगरीकृत देश कौन सा है इसको आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से क्या कहना चाह रहा है हाँ चलिए अगर हम बात करें अगर हम बात करें प्रश्न कहना जिसमें नगर ज्यादा हूं शहर ज्यादा हूं या फिर हो, आप कह सकते हैं आप ऑप्शन से आंसर लगाएगा कि कौन सा नगरीकृत हो सकता है क्या जापान हो सकता है सिंगापुर हो सकता है या अमेरिका हो सकता है या अमेरिका हो सकता है चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत जबरदस्त बी बच्चों ने आंसर दिया है बी बच्चों ने आंसर दिया है बहुत बढ़िया ओके 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 सिंगापुर सिंगापुर क्या बी पा रहा हां बिल्कुल राइट आंसर right रहने वाला है साथ ही सिंगापुर ही इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है क्या सिंगापुर ही इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है ठीक है किस, किस ने दिया है चाइना बहुत सारों ने दिया है चाइना नहीं बड़ा घना बताऊं देखो सिंगापुर जो है ना ये इतना परसेन्ट नगरी करता है कि इसके अंदर सब देखो ये एक एक तरह से विकसित देश है एकदम से जबरदस्त आप अगर इसको कभी गूगल पर भी डाल के देखोगे या youtube पर आप सिंगापुर की वीडियो देखोगे तो तब आप समझ पाओगे कि बहुत बेहतरीन देश रहने वाला बहुत बेहतरीन देश रहने वाला तो सिंगापुर जो है मैं आपसे समझाइए ना प्लीज बेटा मैप से नहीं समझा सकता यहां पर ठीक है मैप से नहीं समझा सकता क्योंकि अगर मैं टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तो तब तो मैं, मैं मैप का यूज करता अगर मैं मैप लेकर आ गया ना यहां पर एक बार ज्योग्राफी का तो समझो कि फिर पूरी की पूरी क्लास एक ही क्वेश्चन पर चली जानी है ठीक है एक ही क्वेश्चन पर पूरी क्लास चली जानी क्योंकि इतनी सारी चीजें उसके अंदर निकल कर निकल कर आती रहेंगी कि आप खुद कहोगे सर कि हमें तो पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप ही याद करा दिया तो उससे फायदा नहीं आप अभी क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी रहती है यह बात आपको पता होनी चाहिए चले आगे चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है, हाँ, बर्मुडा, महासागर जो है के किस भाग में अवस्थित है, का, का है, है? प्रश्न होना ही नहीं है तुमसे किसी से ठीक है पश्चिम उत्तर में पूर्व दक्षिण में दक्षिण उत्तर में जिसको मैप की नॉलेज है वो तो कर सकता है नहीं मैं जानता हूं कि सरेंडर कर दो क्वेश्चन पर ठीक है सारे के सारे बच्चे हाँ घनी आबादी ओके 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 बहुत बढ़िया बच्चों जो वा, वो वाला प्रश्न है ना मैं इसको एक बार देख लूंगा ठीक है जो प्रश्न आप कह रहे हो ना कौन सा वाला है वो Uh, जो आप जिसमें उत्तर कोरिया आंसर बता रहे हो ठीक है मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा मुझे भी लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन आपको गलत ना हो जाए इसको मैं आपसे कल डिस्कस जरूर करूंगा ठीक है पीला सागर की जो चीन के साथ तो है ही है ठीक है ये तो कंफर्म पता है कि पीला सागर चीन क्षेत्र में पड़ता है कुछ बच्चे इसका कोरिया आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पर अभी आप हो सकता है कि कोरिया आंसर है रूस है तो इसको मैं एक बार आपको कल भी बताऊंगा ठीक है इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिएगा और अगर ऐसा होगा भी ना होगा भी कि मुझे लग रहा हो कि इसके अंदर रूस आंसर है तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आपको परेशान कर दूंगा ठीक है कभी हो ही नहीं सकता मैं कल आकर खुद बता दूंगा भाई इसका आंसर ये है तो राइट आंसर क्या बच्चे सी आंसर दे रहे हैं हाँ, तीन आंसर दे रहे हैं क्या है बरमुड़ा जो है पार्षद तो ये किस क्षेत्र के अंदर रहने वाला है पश्चिम उत्तर प्रदेश उत्तर के अंदर कोई दे रहा है डी आंसर दक्षिण सी हाँ एक मैप की क्लास ले लेंगे ठीक है चंदन ठाकुर ले लेंगे ठीक है चलो साथियों मैं इस पर देखो अब इसमें क्या है कि मैं फिर से कह रहा हूं कि जो आपका मैप होगा ना अगर मैप की आप नॉलेज रखते हैं तब तो आप इस बरमुड़ा के बारे में बता पाएंगे ठीक है नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है ठीक है चलो ए आंसर ए आंसर हाँ अब कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं पश्चिम उत्तर क्षेत्र में पार्षद तो अटलांटिक क्षेत्र के अपरता साथियों अगर हम बात करें अगला प्रश्न है जैन आयोग का संबंध किससे इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखेगा अभी तक के जितने भी प्रश्न आपके आए ना अभी तक के जितने भी प्रश्न आए ना ऐसे प्रश्नों की संभावना पेपर के अंदर बहुत कम होती है मतलब जो पहले थे तो आते आते क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आता है ना साथियों जब भी ये क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन बच्चों से कभी हल नहीं होता जरा बताएगा मैं तुम्हारा आंसर देख लेता हूं जैन आयोग जो था वो संबंधित किससे है यह अयोध्या से संबंधित है राजीव गांधी से मुंबई से या ग्राम स्टैनस से संबंधित है देख लेता हूं आपका आंसर कितने बच्चे देते हैं कुछ बच्चे इसका आंसर अयोध्या से दे रहे हैं जैन आयोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ए आंसर दे रहे हैं एक रवि कुमार नाम का बच्चा जो कोशिश कर रहा है सही आंसर देने की द रोशन करके एक बच्चा है वो आंसर सही देने की कोशिश कर रहा है सौरभ गुर्जर का आंसर गलत है बिल्कुल हां चलो मैं बताता हूं कभी नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को देखो ये जो है ना आयोग ये किस लिए बनाता जानते हो इसका संबंध है राजीव गांधी से किसके इसका संबंध है राजीव गांधी से जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी ना जब राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी ना तो उनकी हत्या के मामले की जांच के लिए ये आपका जैन आयोग गठित हुआ था अब कभी मत भूल जाएगा ठीक है जैन देखो ऐसे बहुत सारे होते हैं जैसे एक ऑपरेशन था ना ऑपरेशन

साथियों पंजाब के अंदर चलाया गया था जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो वहां पर सिखों की जो नरसंहार किया गया था जो भिंडरा वाला था उसको निकालने के लिए अमृतसर मंदिर के अंदर जो घुस गया था वो तो उसको निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका पंजाब के अंदर चलाया गया था हाँ ऑपरेशन मेघदूत जो है ऑपरेशन पाकिस्तान पर्वतार, बन के पर्वतारोड़ी चाहते थे तो लोगों को निकालने के लिए था, तो कहां पर? के अंदर चला था। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए प्रश्न के बारे में बात करें तो राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी हत्या जो की गई थी उसकी जांच के लिए यहां पर जैन आयोग का गठन किया गया था साथियों उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी एक भी ऑपरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके दिमाग से निकल जाए एक बार अगर मैंने लिखे नहीं, थोड़ा सा वैसे बता दिए तो समस्या नहीं है फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ना पता हो तो कमेंट कर दोबारा बोल दूंगा सारे के सारे ठीक है ओके शुभम कुमार यहां पर सारे के लाइक सा कर दो ठीक है रितेश गोर से आप ध्यान नहीं देते हो बेटा ध्यान देना मेरा काम नहीं है मैं पढ़ाने का काम आया हूं यहां पर करने के लिए ठीक है चलो याद हो गया ना सारे के सारे सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करो मैं अगला प्रश्न लगा रहा हूं मैं अगला प्रश्न लगा रहा हूं क्या है अगला प्रश्न जल्दी से आपको फटाफट से बताना होगा तेजी से बताना होगा साथियों प्रश्न बहुत सामान्य सा है प्रश्न बहुत इजी सा है इससे इजी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर नहीं आ सकता निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने साइकिल का आविष्कार किया था किस वैज्ञानिक ने साइकिल का आविष्कार किया था तो बड़ा ये दिस क्वेश्चन हो गया सर हैं जय बाबा की जय बाबा की अब सिकवीर भाई फिर से बताइए एक बच्चा कह रहा चलो सुनो ऑपरेशन विजय कारगिल से संबंधित था जब कारगिल की लड़ाई लड़ी थी 1999 तो ऑपरेशन विजय चलाएगा वही जब आर्मी चला रही थी ऑपरेशन विजय तो एयर फोर्स ने अपना ऑपरेशन सफेद सागर चलाया बात खत्म स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक ऑपरेशन चला था स्माइलिंग बुद्धा हस्ता हुआ बुद्धा मतलब जब आ, जो पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण हुआ था तो वहां पर यह था कि भाई हमको कोई भी अगर पूछे भाई साहब कहां ले जा रहे हो आप रॉकेट सा उठा, उठा के। तो बस उसकी तरफ किसी को कुछ नहीं बताना तो स्माइलिंग बुद्धा जो था ये आपका ऑपरेशन जो था पोखरण वाला उससे संबंधित रहने वाला था ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था ऑपरेशन ब्लू स्टार ये पंजाब के अंदर जो अमृतसर मंदिर में वाला नाम का एक आतंकवादी लोगों को इकट्ठा करके जो अमृतसर के मंदिर के अंदर घुस गया था उसको निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब के अंदर चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत जो था यह कुछ लोगों ने अपना हिस्सा कब्जा लिया था उस हिस्से को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था तो मैंने बस चार पांच आपके लिए ऑपरेशन बताए आपको सारे के सारे याद होने चाहिए सा प्रसन्नता सामान्य सा प्रसन्नता साइकिल की खोज किसने करी तो इस प्रश्न को क्या बताने में किसी कोई समस्या थी हाँ जी सर आज एक सायरी सुना दो बेटा उम्मीद ही मत रखना जीवन में कभी शायरी सुनाऊंगा वो आती नहीं है तो सुनाऊंगा तो क्या है

धोना सोडा खाने सोने में क्या अंतर होता है मीठा सोडा का सूत्र क्या है मीठा सोडा जो है किस में काम किया जाता है और बैंकिंग सोडा क्या होता है सोडे पर इतने प्रश्न बनते हैं जिसका कोई भी जवाब नहीं है जिस पर कोई भी जवाब नहीं है तो इसकी खोज में तुम निकलोगे तभी इस पर बनने वाले सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे और इग्नोर मत कर देना कि हमको तो इसका आंसर पता है एक बार सर्च करो इस पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन बनेंगे रेलवे वाले बच्चों के लिए और साथियों एसएससी सीजीएल सीपीओ जो है या बात करें एनटीपीसी के अंदर भी रेलवे का ही पोर्शन रहता है वो उनका तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला है तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपको दूंगा जो आप एकदम से सर्च भी करें और उसका आंसर दें ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है जिसका सही आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर साथियों अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया था बहुत बड़ी गलती आपने करी है जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दो ठीक है चिल्लाते चिल्लाते गले भी दुख जाता है तुम्हारे सामने और तुम एक ऐसे हो ना कि बस पढ़ते हो अपना काम निकालते हो और अपना निकल गए बस क्लास खत्म कर दी बोले जल्दी चुप हो मास्टर है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट भी क्या करो यार देखो लाइक शेयर वेयर का मतलब होता है सपोर्ट करना इसका कोई पैसे वैसे नहीं मिलता तुम सोच रहे हो कि लाइक के पैसे मिल जाएंगे इसका मतलब सपोर्ट करना तो यार सपोर्ट तुम अपने हिसाब से कर दिया करो स्टेटस स्टेटर पर लगा के और फेसबुक वेसबुक पर शेयर कर दिया करो हमें भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा तो कैसे दिल से को मतलब हार के बैठे हो कतई ये हद कर रहे हो तुम तो यार थोड़ा बहुत देखो सोचो हमारी तरफ भी है गरीब से लोग यहाँ पर तुमको पढ़ाने का काम कर रहे हैं और तुम हो कि मानते नहीं हमारी बात को तो यार थोड़ा शेर कर दिया करो ऐसे काम कैसे चलेगा हमारे पास तुम ही सबसे बड़ी ताकत हो तुम सोचते हो ना कि हमारे पास बहुत चीजें नहीं भाई साहब तुम ही सब कुछ हो और ये बात हर कोई बोलता होगा तुम ही सब कुछ हो लेकिन भाई साहब हम तो दिल से मानते हैं तुम ही सब कुछ हो तो तुम सपोर्ट करोगे तो यहाँ से यहाँ भी किसी को पहुंचा सकते हो और तुमने अपनी ताकत को नहीं पहचाना तुम यहाँ से यहाँ भी ला सकते हो किसी को ठीक है तो भाषा हमें तो यहाँ से यहीं जाना हो भी तो हम हैं यहाँ पर ठीक है मतलब तुम्हारे लिए तो यहीं पर रहेंगे हमेशा यहाँ भी पहुंच जाएंगे जब भी तुम्हारे लिए यहीं रहेंगे मतलब समझ रहे हो भावनाओं को तो एक बार सपोर्ट वपोर्ट किया करो यार अच्छे से है भाई लाइक like कर दिया सभी ने हाँ तो सारे बच्चे एक बार लाइक वाइक कर दो और फिर ध्यान ने चलो बात कर लेते हैं देखो को कोर्स वोर्सों की बात करना तो जरूरी होती है ये कोर्स इसलिए नहीं बताया जाता तुमको कि तुम इन कोर्सों पर बस अपना जहां से मैं कोर्स की बात शुरू कर दूं तो वहां से अपना दूसरे मार्ग होगी क्लास खत्म ये इसलिए बताए जाते हैं कि बेटा जैसे ये कोर्स हो गया ना इसके अंदर मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा और इतिहास ऐसा इतिहास पढ़ाऊंगा जो थ्योरी बेस्ट रहने वाला होगा मतलब एक साथ शुरू करूंगा और अंत तक पूरी की पूरी पचपन क्लास अगर आपको पढ़ाऊंगा पचपन या साठ क्लास तो उनके अंदर पढ़ने

बात करें तो साथियों फेसबुक इंस्टाग्राम पर सुशील जादौन सर के नाम से मुझे आप सर्च कर सकते हैं साथ के साथ बात करें ये हेल्पलाइन नंबर है जो आपको पता होना चाहिए तो अभी राहुल सर के साथ कंटिन्यू कीजिएगा राहुल सर आपकी क्लास को लेकर आ रहे हैं बहुत बेहतरीन सी क्लास रहने वाली होगी लाइक जिसने नहीं किया लाइक कीजिएगा होमवर्क का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा ओके बेस्ट ऑफ लक नमस्कार जय हिंद